हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज है 25th of January। आज मैं आप सभी को लेकर चलने वाला हूँ जू। वो कोई साधारण जू नहीं है, वो शहीद अशफाक उल्ला खान के नाम पे है। तो वीडियो 26 जनवरी को रिलीज होगा एंड 26 जनवरी के उपलक्ष्य में यार मैं ये वीडियो आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, बिकॉज 26 जनवरी को ये वीडियो अपलोड करना मुझे अच्छा लगा, इसलिए आज मैं जा रहा हूँ वहाँ उसे शूट करने। आप सभी को जू के बारे में सब चीज़ बताऊँगा। जहाँ तक मैंने पढ़ा यार, वो एशिया के कुछ टॉप लार्जेस्ट जू में से एक है एंड आज मैं चलने वाला हूँ फिर से श्रीवत के साथ। तो उसे सबसे पहले पिक कर लेंगे एंड उसके बाद से निकलेंगे और वहाँ जू पे पहुँच के उसके बाद से आप सभी से बात करेंगे, बिकॉज जू की कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो दिखा देते हैं कि कितना बना है वो और कितना काम अभी बाकी रह गया और कब तक तैयार हो जाएगा। किसी से पूछ भी लेंगे कि कब तक तैयार होगा, बिकॉज टेंटेटिव डेट उसका जनवरी में ही था इनॉग्रेशन होने का, बट अभी तक हुआ नहीं। तो चलते हैं एक बार उसे ही पता करते हैं, बाकी आपको उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं और एक शॉर्ट टूर करा देते हैं कैसा है जू और क्या क्या खासियत है उस जू की और कितने एरिया में फैला है एंड कहाँ पे है। तो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट पहले घर से निकलते हैं, उसके बाद ही आप सभी से बात कर पाएंगे। एंड घर से निकलने से पहले सबसे पहले इसे टिक कर लेते हैं। तो आज मैंने अपलोड कर दी अपनी 25th वीडियो, तो इसको करते हैं टिक एंड अभी मैं अपनी 26th वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइस, फाइनली पहुंच चुका हूं जू पे और ये बहुत ही बड़ा यार, बहुत ही बड़ा जू है। अभी आप सभी को ये पीछे वाला गेट नहीं दिखा रहा हूं, आगे चल के अभी दिखाता हूं। पहले हम विज़िट करते हैं अंदर और देखते हैं कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अभी एक भैया से मेरी बात हुई तो उन्होंने तो बताया कि ये मार्च तक कम्प्लीट हो जाएगा, बट अंदर चल के देखते हैं कि कितना और बचा हुआ और कितना काम हो चुका है। अब हम विज़िट कर रहे हैं जू के अंदर और इस जू के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें आप सभी को बता दूं। 121 एकड़ में ये जू फैला हुआ है और बहुत ही बड़ा है यार, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। मेरे साथ अभी श्रीवत भाई है और साथ में विज़िट करते हैं। अभी तो अंदर कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है, पूरा ही एकदम ही कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बनाया जा रहा है। लाइक तो यार इस जू का बहुत ही गजब का लग रहा है, लाइक एकदम नया डिज़ाइन देखने को मिल रहा है इधर। और यहाँ पे ऐसे स्टेयर केसेस बनाए गए हैं बैठने के लिए, जाके आप सब बैठ सकते हैं। और इसका ढांचा अभी एकदम ही तैयार हो चुका है। जनवरी में तो लाइकली था कि ओपन हो जाएगा, बट अभी मेरी भैया से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि मार्च में ओपन होगा। तो यार ये जू गोरखपुर के लिए यार बहुत गजब की चीज़ है और बहुत अच्छा लग रहा है। और जब ओपन होगा मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले विज़िट करने के लिए। ये मेरे पीछे बुद्ध भगवान की एक ऐसे पिक्चर तैयार की जा रही है और अभी ये मुझे नहीं लगता है फाइनली कंप्लीट हुई है, बट ये काफ़ी सुंदर चीज़ और काफ़ी यूनिक चीज़ मुझे लगा। धीरे धीरे यार गोरखपुर इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है एंड इतना ज़्यादा यूनिक चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। ये तो यार बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा, देखने में एकदम ही मज़ा आ जा रहा है, बहुत बड़ा है। और इसमें टोटल 387 एनिमल्स को रखा जाएगा, लाइक अफ्रीका के एनिमल्स आएंगे, हर देश से एनिमल्स आ रहे हैं, इंडिया के भी काफ़ी सारे एनिमल्स रहने वाले हैं। और सभी एनिमल्स के केज लगभग तैयार हो चुके हैं, तो केजेस आप सभी को दिखाता हूँ। और टोटल 3.5 किलोमीटर तक ये लंबा जू है, तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा। अभी तो एकदम खाली है बिकॉज अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है एंड दिन रात इधर काम चल रहा है। अभी मेरी भैया से बात हुई, अभी मैंने इन लोग से पूछा तो इन लोगों ने बताया कि हर टाइम काम चल रहा है, तो मार्च तक एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएगा। और इधर केज है किसी एनिमल का और इसका भी अभी काम चल ही रहा है। ये लाइक ऐसे मिडिल में पाथ बनाया गया है चलने के लिए। ये यार मुझे बहुत ही सबसे बड़ा केज मुझे अभी तक यही लगा, सबसे बड़ा केज श्रीवत यही है ना? सबसे बड़ा केज मुझे यही लगा और ये मेरे हिसाब से या मेरे ख्याल से ये लायन का रहने वाला है। करीब से चल के दिखाते हैं बिकॉज इसमें अंदर भी कुछ किया, अंदर भी इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। गाइस, वर्कर्स इधर ही अपना टेंट बना के और यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे सोते हैं, यहीं खाते हैं। बगल में भी अभी काम चल रहा है। और सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा अगर मुझे कोई केज लगा है तो वो ये वाला है। आई डोंट नो ये किस चीज़ का है और कोई है भी नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ खासा जिससे पूछ सकते हैं कि कौन सा एनिमल के लिए कौन सा बन रहा है। बस अभी बाहर जो भैया मिले थे उन्होंने मुझे बताया कि मार्च में ये रेडी हो जाएगा एंड मार्च में इसे ओपन कर दिया जाएगा। और ये यार बहुत पीछे तक है, बहुत दूर तक है, तो पूरा तो नहीं चलते हैं बिकॉज़ पूरा चलने में बहुत थकान हो जाएगी। यहीं से ले लेते हैं यू टर्न
और इधर पूरा काम ऐसे चल रहा है। तो गाइस इस जू का आप सभी को पूरा नाम बता दूं तो पूरा नाम है शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान, ये है इस जू का पूरा नाम। तो यार जू के लोकेशन की बात करें तो जू नौका विहार के एकदम बगल में है, सहारा स्टेट्स के भी एकदम बगल में है, तो नौका विहार एंड सहारा स्टेट के बीच में ये जू है। एंड अब आप सब बहुत ईजिली आ सकते हो, जब ये ओपन हो जाएगा तब आप सब बहुत ईजिली आ सकते हो, बिकॉज अगर जो भी लोग देवरिया बाईपास से आ रहे हैं, देवरिया बाईपास से आप जैसे ही राइट होंगे तुरंत ये रास्ते में पड़ जाएगा। एंड फिर इतना बड़ा है ये कि आप सभी को दूर से ही मालूम चल जाएगा कि यही जू है। और ये मेरे बगल में यार मुझे बाहर से तो एक हॉल टाइप का लग रहा है, आई डोंट नो अंदर क्या है और कैसा है, बट बाहर से तो देखने में यही लग रहा है कि एक हॉल है। और अभी आई डोंट थिंक कि अंदर जाने लायक है, बिकॉज काफ़ी कुछ काम वगैरह चल रहा है, जगह जगह पे ऐसी नालियाँ हैं रास्ते के बगल में, तो अगर ध्यान नहीं दिया और ध्यान दे के नहीं चला तो आदमी नाली के अंदर। तो गाइज वीडियो को अचानक ही वहीं पे रोकना पड़ गया बिकॉज कुछ ऑफिशियल्स आ गए थे और उन्होंने बोला कि अब वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं अलाउ है, इसलिए हमें वहीं पे वीडियो स्टॉप करना पड़ा एंड डायरेक्ट फिर हमें घर आना पड़ा। वीडियो को बीच में रोकने के लिए यार सॉरी, और आप सभी मुझे माफ़ कर देना। और इस वीडियो को अभी एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके अपने थॉट शेयर करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब भी कर देना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आप सभी को मेरे वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। All these things are passing by.